अब फीचर वीचर के मामले में अगर कोई गाड़ी की बात हो या फिर कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसे अगर बचाने हो तो वैगनर मारुति सुजुकी के अलावा कोई भी आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल इफिशेंसी दे, आपके जो है पैसे भी जो है वो चार बच जाए और लास्ट तक मतलब 5 साल से 6 साल इस्तेमाल करते हो कोई भी प्रोडक्ट को, तो मारुति सुजुकी ही इंडिया में एक ही पर्टिकुलर ऑप्शन है जो सर्विस स्टेशन को लेके उसके सर्विस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जल्दी से जल्दी है वो जो है अपना जो है काम करते हैं। सर्विस रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर कोई भी ऐसे पर्टिकुलर अगर गाड़ी के रिलेटेड अगर काम वाम आते हैं तो इमीजिएटली वो रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि सर्विस स्टेशन बहुत बढ़ चुके हैं। उनमें से जितना सकता सैंपल मैं आज दिखाने वाला हूँ। अभी इस गाड़ी को सामने से देख के आपको बोलने की जरूरत नहीं है कौन सी गाड़ी है। अभी वैगनर आर है ये, क्योंकि वैगनर पहले मॉडल था, ये थर्ड जनरेशन वैगनर दिख रहे हो। इससे पहले भी ये स्टिंगरे आया था लेकिन उतना चला नहीं। लेकिन वैगनर एक ऐसी गाड़ी है कि जो अच्छे खासे दामों में मतलब 5.5-6 लाख में जो है वो 6,80,000 तक टॉप एंड उसका चला जाता है। लेकिन कंपनी वो भी बताऊंगा मैं यहाँ पे, आप सीएनजी की बेजिंग देख सकते हो, लेकिन जो है वो आपको बेहतर जो है वो दाम दे के जाएगी ये गाड़ी। मतलब आप 5-6 साल इस्तेमाल करके बेचते भी हो गाड़ी, आपके 4 पैसे बचाएगी। मतलब सेकेंड हैंड इतनी वैल्यू है इस गाड़ी को भाई साहब कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर जो है ह्यूंडा वुंडा का मॉडल हो तो इससे अच्छा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जो आपको वैगनर जो है वो आर ऑफर करती है। हेलो भाई, मैं ओमकार, सामने आपके खड़ी है वैगनर आर 2019 मॉडल, यहाँ पे खड़ा है। VXI 1.2 पेट्रोल में आती है। अभी ये जो पर्टिकुलर के सीरीज B12 इंजन है वो हमेशा इस्तेमाल होता है अल्टो में, अल्टो के 10 सेलेरियो में वही इंजन इस्तेमाल होता है, लेकिन रिट्यून किया हुआ। ये जो वेरियंट देख रहे हो आप, पर पैसे कुछ खर्च कर रहे हो, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि मारुति सुजुकी एक ऐसे जो है वो फीचरिस्टिक गाड़ी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फीचर भी नहीं, कम पैसे ज़्यादा दाम, फ्यूल इफिशेंसी थोड़ी बचाएगी। और ये देख लो भाई साहब, ये वैगनर में आपको ये जो स्टिकर देखने को मिलता है सीएनजी फिटेड, विद सीएनजी फिटेड ये वेरिएंट मारुति सुजुकी के साथ जो है वो असेंबल करके आता है। मतलब सीएनजी के साथ आपको 22 KMPL तक ऑन रोड माइलेज देती है, जिसकी 60 लीटर के अंडर आपको जो है वो सीएनजी की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको मिल जाती है। अभी एक तो पेट्रोल में ये गाड़ी जब आती थी तब 19 किलोमीटर का पर लीटर का माइलेज देती थी। अभी अच्छे खासे मिडिल क्लास कंपनी को जो है वो जो अच्छे दामों में लेने के लिए उसके पॉकेट में अलाउ करने वाली ये गाड़ी थी। मतलब मिडिल क्लास फैमिली के ओरिएंटेड के लिए ये जो है ओरिएंटेड गाड़ी बनाई गई थी मारुति सुजुकी ने। अभी इसके गाड़े में बात करेंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है जो मैं खास क्यों बताने वाला हूँ वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे सामने नॉर्मल से ही सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है, नॉर्मली जो है वो ग्रिल आते हैं जो क्रोम फिनिशिंग के साथ आता है, आपको हैलोजन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे कॉस्ट कटिंग बहुत है, मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में आप लेते हो कोई व्हाइट लाइट्स वगैरह तो कोई आपको नहीं मिलती। यहाँ पे जो है वो टॉप एंड वेरियंट में भी हैलोजन ही मिल जाता है, नॉर्मल सा हैलोजन यहाँ पे जो है वो फॉग लैंप देखने को आपको मिलता है। अगेन टोइंग होगी यहाँ पे दे दी गए। अभी ये जो हाइप बन गई थी महिंद्रा ने जो है स्कॉर्पियो एन लॉन्च कर दी थी, सिमिलर वही डिज़ाइन आप देख रहे हो जो यहाँ पे स्कॉर्पियो एन का यहाँ पे डिज़ाइन देखते हो पीछे, वैसे की वैसे जो है वो यहाँ पे ऐसे स्कॉर्पियो एन जैसे लुक निकल के आता है। मतलब पीछे के टेल लाइट वगैरह देखते हो तो स्कॉर्पियो एन जैसे ही दिखते हैं। अभी वही जो है वो सिमिलर आपकी गाड़ी है। मतलब गाड़ी आप जब लेते हो तो कोई बिना सोच समझ के, जैसे टोयोटा परचेस करते हैं बिना रनिंग वगैरह देख के, इतने ट्रस्टेबल होते हैं जो है वो लेके उस प्रोडक्ट को लेके, वैसे ही वैसे ये जो है वो इतना मतलब फ्लीट ऑपरेटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, टैक्सी ऑपरेटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, अच्छे खासे मिडिल क्लास जो फैमिली को पॉकेट में अलाउ करने वाला ये अच्छा ऑप्शन है। और ये बुरी भी नहीं है वैसे, मतलब डिब्बे विब्बे जैसे दिखती है बॉक्सिस टाइप, लेकिन इसकी गाड़ी की जो हाइप बन गई है ना, इसको गाड़ी को मतलब जो है वो कभी भी एंड नहीं हो सकता इस प्रोडक्ट को। अभी ये ट्रस्टेबल प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी का। यहाँ पे जो है वो साइडो कॉर्नर की अगर बात करते हो तो 5.5 मीटर के अंडर आती है, मतलब 4 मीटर के अंडर आती है, मतलब इस 4 मीटर तक अंदर आती है, मतलब स्मॉल हैचबैक में जाती है। अभी हैचबैक अगर किसी कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट में अगर ये कंपेयर करते हो ह्यूंडई के ग्रैंड आई 10 में करते हो, ग्रैंड आई 10 न्यूज़ में करते हो, तो इसकी जितनी हाइट है कभी भी आपको कहीं भी गाड़ी में इतनी कॉम्पैक्ट गाड़ी अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी। अभी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो सेलेरियो विलेरियो से तो मच बेटर है, मतलब ये थर्ड वर्ड सुनते हो तो अच्छा खासा आपको मिल जाता है, ठीक ठाक है, पहले से तो थोड़ी इंप्रूव कर दी है बॉडी, मतलब वैगनर स्टिंगरे से तो बेटर ही है। अगर यहाँ पे बात करते हो तो टायर प्रोफाइल आपको जो है वो अगेन 155 के टायर प्रोफाइल देखने को मिलता है, वो अगेन आपको जो है वो सेलेरियो में मिल जाते हैं, वही टायर प्रोफाइल सिमिलर 155, लेकिन विड्थ थोड़ी सी यहाँ पे छोटी है, वो सेलेरियो की 80 है, यहाँ पे जो है वो आपको
13 इंच मिलती है, वहाँ पे 14 इंच है, एक इंच का फर्क आप देख सकते हो। जैसे मैं अंदर लेके चलता हूँ, इस गाड़ी के मामले में बताने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे आप ऐसे दरवाजा मैं खोलता हूँ, यहाँ पे दोनों के दोनों और भी हम आपको देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ पे ये जो है वो इंटीरियर ऐसे कुछ देखने को मिलता है। अभी ये थर्ड पार्टी जो है वो इंटीरियर लगाया हुआ है, मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करते हो ना, तो रफ एंड टफ है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर गाड़ी लेते हो तो आपको कोई ऐसी मतलब जो है वो चीज़ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई अगर मान लो ये यूनिट टूट जाए या फिर कोई गिर जाए बटन, तो मारुति सुजुकी के ये जो यूनिट्स होते हैं वो लॉक अनलॉक के बटन सिमिलर ही होते हैं। अभी ये गाड़ी को बहुत कॉस्ट कटिंग है, क्योंकि ये बीच वाला मॉडल आप देख रहे हो, दोनों के दोनों जो है फ्रंट के पावर विंडो लॉक अनलॉक बटन मिलता है, यहाँ पे जो है वो कोई भी बटन कंट्रोल नहीं मिलते, वो हाथ से करने पड़ते हैं। मतलब अच्छे खासे मिडिल क्लास जो फैमिली है उसको पॉकेट में अलाउ करने वाली गाड़ी है। मतलब 580,000 रुपये ऑन रोड मिलती है, ऑन रोड जो है वो VXR टॉप एंड वेरिएंट है। ये स्क्रीन इंफोटेनमेंट जो थर्ड पार्टी डाल दी गई है, लेकिन 10 इंच की अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड कर पाती है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है SRS एयरबैग्स की वार्निंग है, दो सरकार मैंडेटरी एयरबैग्स आते हैं, राउंडेड शेप के थ्रो जो है वो आपको AC विंड्स देखने को मिलते हैं। अभी ये टॉप एंड होता है तो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग होता है, ब्लेश और ब्लैक कलर में इंटीरियर आता है, लेकिन डिब्बा कहते हैं यार, लेकिन मतलब मस्त है यार, मतलब जो बोलते हो हैलोजन की प्लेसमेंट यहाँ पे देख सकते हो, ओवर व्यू में ऐसे कुछ मिल जाते हैं, यहाँ पे जो है सन वाइजर ऐसे मिल जाते हैं, नॉर्मल से जो जो डिजायर विजर के चलते आए हुए, वैसे कोई मिरर वगैरह नहीं देखने मिलता, ऑटोमेटिक IRVM नहीं मिलते, मैनुअल से मिलते हैं। यहाँ पे जो है ग्लो बॉक्स छोटा ठीक ठाक काम चलाओ यो मिल जाता है, यहाँ पे हज़ार लाइट्स की वार्निंग आप देख सकते हो, ये हज़ार लाइट्स यहाँ पे जलाते हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये आप RPM मीटर अगर खोजोगे इधर, तो भाई सब यहाँ पे आपको भाई जो RPM मीटर है वो नहीं देखने को मिलता, सिंगल जो है वो RPM मीटर जो है टेकोमीटर जो है वो आपको देख, स्पीडोमीटर जो है वो आपको देखने को मिला, टेकोमीटर आपको नहीं मिलेगा, RPM मीटर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेस वाला मॉडल आप देख रहे हो VXI आता है वो, यहाँ पे जो है वो एक्चुअली VXI नहीं है, ये LXI CNG वेरिएंट है, लेकिन काम चला हुआ यार। यहाँ पे आप देख सकते हो जो है वो डोर वगैरह खुला है, वो मैंडेटरी सरकार ने किया हुआ है, इंडिकेशन वार्निंग आप देख सकते हो, सुजुकी का लोगो आता है, SR एयरबैग दो आते हैं, यहाँ पे जो है बटन्स के कंट्रोल से यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो नॉर्मली जो है वो विंडशील्ड वगैरह खोलने के लिए। फिफ्थ गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, यहाँ पे बॉटल, और एक अच्छी चीज़ कर दी यार मारुति सुजुकी ने, यहाँ पे अंदर पहले कुछ नहीं आता था, कुछ कॉइन्स वगैरह रख सकते हो, अच्छे खासे जो है बॉटल होल्डर वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे जो है वो हैंड ब्रेक की रिमाइंडिंग आती है। ये जो सीट्स है वो अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसकी सैलरियों से कंपेरिजन करते तो मच बेटर है यार, सैलरियों से अगर ये गाड़ी अगर कंपेयर करते हो, सामने से ऐसे कुछ लुक निकल के आता है, साइडों कॉर्नर से देखते हो तो चार मीटर तक हाइट उसकी है, 155/80 की टायर प्रोफाइल आपको अगेन यहाँ पे मिल जाती है, फेंडर में इंडिकेटर यहाँ पे दे दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बात करते तो वही जो है वो अच्छा खासा मटेरियल वो देखने को मिलता है जो अगेन पहले वाले वैगनर को क्या होता, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करती, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन पत्र की अगर बात करते हो तो सैलरियो हो कि अल्टो के टेन हो उससे तो मच बेटर है। और एक सबसे अच्छी चीज़ है गाड़ी में वो मैं आज बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख लो कंफर्ट इसको कहते हैं, अगर गाड़ी को बिल्ड क्वालिटी की अगर बात हो तो ठीक ठाक है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मारुति सुजुकी में ये देख लो भाई साहब, ये देख रहे हो रूफटॉप इतना बड़ा है कि 6 फीट के ऊपर भी बंदा रह सकता है, विद CNG फिटेड आती है, मतलब पीछे आपको CNG की यहाँ पे टंकी मिल जाती है जो आपको बहुत सारी कंपनियाँ कम ऑफर करती है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 16 जो है वो 60 लीटर की टंकी आती है CNG की, यहाँ पे कुछ वार्निंग लिखा है, कपड़ा वपड़ा डाल दिया गया है यहाँ पे, और ये जो कुछ यहाँ पे तामझाम। अभी CNG फिटिंग के साथ आपको लगेगा कि यहाँ पे जगह नहीं बचती, भाई साहब ये नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पेयर व्हील के अलावा यहाँ पे जगह भी बच जाती है, मतलब ठीक ठाक आप एवरेज सामान भी यूज़ कर सकते हो, और बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है यार, मतलब इम्प्रूव कर दी जो है सुजुकी वालों ने यहाँ पे। अगर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये टेल लैम्प देखते हो, थोड़ी सी स्कॉर्पियो N की याद दिलाता है जो आपको देखने को मिलते हैं पीछे, अगेन सुजुकी का वही लोगो, क्रोम फिनिशिंग, वैगन और वगैरह सा लिखा हुआ है, ठीक ठाक आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी ये जो है वो आपको हाथ से ही उठाने पड़ेंगे, ये जो है वो स्क्रोलिंग करके पड़ेंगे, क्योंकि कॉस्ट कटिंग तो है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के जो है बजट में अलाउ करने वाली ये गाड़ी है। यहाँ पे फुट रेस्ट वगैरह दे रखा है, यहाँ पे कुछ पीछे वगैरह स्टॉप लैंप वगैरह दे रखा है, यहाँ पे जो है नॉर्मल से आपको सीट बेल्ट आपको देखने मिलता है, ये पॉकेट कुछ दे रखा है कुछ स्टफ़ रखने के लिए। अगेन ये बंद कर लेता हूँ, यहाँ पे 155 की टायर प्रोफाइल अगेन देखने को मिलता है, सरकार मैंडेटरी दो जो है वो पार्किंग सेंसर आते हैं, एक जो है वो अगेन आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिलता है, पीछे कुछ इस तरह से स्पेशियस है, 6 फीट का बंदा आराम के साथ बैठ सकता है, हेडरेस्ट अच्छा है, नीरूम अच्छे, थाई सपोर्ट अच्छा है, थाई सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब यहाँ पे भी सामान वामान कुछ रख सकते हो पीछे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी हेडरेस्ट, और ये जो है वो हाइट जो अच्छी खासी आपको मिलती है, वो कोई भी गाड़ी इस प्राइस सेगमेंट में ऑफर नहीं करती, जो आपको ये मारुति सुजुकी जो है वो वैगनर ऑफर करती है। वैगनर एक ऐसा प्रोडक्ट था वो हमेशा जो चलता आया हुआ है, उसको मतलब ये अगर बंद भी कर जाए और फिर से चालू कर दे तो फिर से ये दाम उसी जो है वो प्राइस सेगमेंट में बिकने लगेगा, और इसकी यूनिट कभी कम नहीं होगी, क्योंकि मारुति सुजुकी का सक्सेसफुल प्रोडक्ट है।
ये वाला पर्टिकुलर इंजन जो है वो 113 जो है वो 113 bhp और 90 न्यूटन मीटर का टॉर्क पीक टॉर्क जनरेट करता है समथिंग 4,500-5,000 rpm में। ठीक ठाक जो है वो प्राइस सेगमेंट में अगर कंपेयर करते हो तो ठीक ठाक इंजन, एवरेज इंजन है, जो आपको एवरेज इंजन डे टू डे लाइफ में तकलीफ नहीं देगा। मतलब इस वाले नेचुरली एस्पिरेटेड ही होते हैं मारुति सुजुकी के जो और कोई प्रोडक्ट, लेकिन इसके अगर फुल पन ज़्यादा पाते हो, कोई एक्सलेट करते हो, दो तीन ओवरटेक मारते हो गाड़ियों को, तो ये रिस्पॉन्स नहीं देगा इतना इंजन। मतलब ये ठीक ठाक एवरेज जो है वो इंडियन बायर्स को लेके ये गाड़ी बनाई गई है। यहाँ पे सुजुकी मारुति सुजुकी जो है वो वैगनर बेस मॉडल है, एलेक्स है, लेकिन VXI जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है थर्ड पार्टी वगैरह एक्सेसरीज डाल के। CNG फिटिंग के साथ आता है, 22.6 km का माइलेज ऑन रोड जो है वो CNG के साथ क्लेम करता है, पेट्रोल में 18-19 तक आराम के साथ विद AC दे देता है, और ये जो है 5,80,000 में अंदर यहाँ पे जो है मिल जाता है, 4,40,000 उसका एक शोरूम कॉस्ट है। यहाँ पे है मारुति सुजुकी वैगनर LXI। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।